मेरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम कोरल ड्रॉ के टूल्स की बेसिक वर्किंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। एक विंडोज का लोगो डिजाइन करेंगे, विंडोज 7 का लोगो डिजाइन करेंगे। उनसे आप ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इन टूल्स का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। इस टूल का यूज करते हैं हम जूम के लिए, ठीक है। जूम कर लेते हैं अपनी ये जो ड्राइंग की विंडो है ना, तो इसका जो साइज है थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो है डिजाइनिंग का काम आसानी से हो जाए और हमारे जो ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे बनाने के लिए वो थोड़े से साइज में हम बड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए ले रहा हूँ एलिप्सिस, ठीक है। इसका साइज कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, काम करने के लिए सफिशेंट हो, ठीक है। अब इसके इसमें हम कर देते हैं कलर। कलर करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये कर दिया मैंने कलर। अब इस कलर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और शार्प बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ से ये कलर, कलर टूल का मेन इंटरेक्टिव फिल रहेगा हमारे पास और एक स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल हम ज्यादातर इन दोनों को ही यूज करते हैं। इंटरेक्टिव फिल जहाँ पे इंटरेक्टिव का यूज होगा वहाँ पे इंटरेक्टिव का यूज होगा, जहाँ पे स्मार्ट का यूज होगा वहाँ स्मार्ट का यूज होगा, ठीक है। अब स्मार्ट फिल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्मार्ट फिल में हमारे पास यहाँ पे ये रहता है फिल टूल, और फिल के अंदर रहता है हमारे पास एक फाउंटेन फिल, ठीक है। फाउंटेन फिल में इस तरह की शेडिंग देता है, 3D शेप, जो इसकी जो थोड़ी सी जो उसकी डिस्प्ले होती है वो 3D हो जाती है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। अब हमारे पास ये काम तो हो गया स्मार्ट फिल से। अब बाद में आता है हमारे पास इंटरेक्टिव फिल। इंटरेक्टिव फिल यहाँ पे भी शॉर्टकट में हमारे पास यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करते हैं इस तरह से कुछ, क्योंकि मान लो जो शेड हमें ऊपर की तरफ चाहिए, मान लो ये डार्क वाली शेड हमें ऊपर चाहिए, तो हम इससे इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से उल्टा इसको ये ऊपर से डार्क कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं विंडोज के जो हमें दिखाई देते हैं ना पार्ट्स, उनके ऊपर जो विंडोज के अंदर बने होते हैं। अब ध्यान से देखना आपने, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल यूज कर रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। इतना सा साइज काफी है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक कर्व में, ठीक है। कर्व को हम यूज कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। बाद में सारी वर्किंग चलती है यहाँ से कर्व की, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व्स में, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी इस कर्व के ऊपर। अब जिस लाइन की जो शेप बदलनी है उस लाइन पे हमें करना पड़ेगा पहले क्लिक। जैसे ये लाइन है इसकी कर्व बदलनी है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पॉइंट हो गई। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी जो कर्व्स है, इस तरह की हमने कर्व्स बनानी है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं इस तरह से ऊपर, लेकिन इसको उठाने से पहले एक काम रह जाता है हमारे पास। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ पहले जैसा, ठीक है। हम वापस यहाँ से इसको पिक करते हैं, और पिक करने के बाद इसको यहाँ पे फिर से मैंने ड्रॉ किया। अब थोड़ी सी इसकी जो पोजीशन होती है ना, कि जो यहाँ पे मैंने पिक टूल का यूज किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे लेके जाना है माउस और कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट। शिफ्ट दबाने के बाद माउस से थोड़ा सा इसको क्लिक करके इस तरह से तिरछा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। अब यूज करते हैं हम कर्व का। ये कर्व पे क्लिक किया, कर्व के बाद यहाँ पे गए हम शेप टूल पे। शेप टूल से हमने यहाँ पे क्लिक किया जैसे, या यहाँ जैसे क्लिक कर लो, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व में गए। अब इसको हम उठा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से जैसे दिखाई देता है, ठीक। अब नीचे वाली लाइन को भी सेम वैसे ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया। अब इसका जो पार्ट है वो भी सेम वैसे ही शेप करके हमने यहाँ से ऊपर की तरफ को उठा दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक पार्ट। अब इसकी कर लेंगे हम क्लोनिंग। क्लोनिंग का काम होगा पिक टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और माउस का हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट बटन मैंने क्लिक कर लिया है। अब माउस को थोड़ा सा नीचे इस तरह से लेके आएंगे हम, और यहाँ पे आके इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे जिस हिसाब से है, और माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे, इस तरह से इसकी क्लोनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोनिंग करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को, ये जो बाहर वाला जो सर्कल है ना, इसको हम कर देते हैं लॉक, क्योंकि इनके ऊपर हमने काम करना है कि मूव ना हो आगे पीछे ज़्यादा, इसको कर देता हूँ मैं लॉक। ये मैंने राइट क्लिक किया सर्कल के ऊपर, इसके एलिप्सिस के ऊपर, और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने लॉक। ठीक है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, इन दोनों की सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन ये दोनों हो गए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सेम माउस का दोबारा हम क्लोनिंग करेंगे, इनकी कॉपी करेंगे इस साइड को, राइट साइड को। ठीक है, ये माउस का मैंने दबा दिया लेफ्ट बटन, और माउस से फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग करके लेके आया, और यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ दूंगा राइट बटन क्लिक करके। इनकी जो साइड है ना, इनको कर लेते हैं उल्टा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, मिरर रहेगा हमारे पास स्टैंडर्ड टूल में, और यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे इनको उल्टा। ठीक है, अब हम इस सर्कल की इस एलिप्सिस को अनलॉक करके इसका जो साइज है इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम अच्छे से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अब मैं इसको कर देता हूँ लॉक एलिप्सिस को। अब इनके कलर चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने पिक टूल यूज़ किया, पिक टूल से एक एक करके मैं कर देता हूँ उनके कलर चेंज। इसको रेड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं हम ग्रीन। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं स्काई ब्लू, और इसको कर देता हूँ मैं येलो। ठीक है, अब ये जो है अपनी जो कलरिंग दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं ऑर्डिनरी कलरिंग। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पे इस इंटरेक्टिव फिल का। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल में इसको सिलेक्ट करूँगा मैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसको थोड़ा सा शेड दे दूंगा इस तरह से। ठीक है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, और ऊपर इस तरह से इसको भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिजाइन हो गया विंडो का लोगो। ठीक है, से इसको कर सकते हैं। इस तरह से करते हैं हम टूल्स का यूज। ठीक है, अब आपने किस तरह से, ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएटिविटी करते हो, कौन सा लोगो बनाना है आपने। ठीक है, तो आज के लिए इन टूल्स की वर्किंग आपने देखी होगी कि किस तरह से मैंने काम किया इन टूल्स की हेल्प से। तो जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, हम नई नई चीज़ें करते जाएंगे, और टूल्स की वर्किंग को भी हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी था। कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई लोगों की डिज़ाइनिंग के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।